इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जनपद में लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिपाही पुलिस को 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर हथियारों के साथ जाते हुए नजर आए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वे भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके अधिकारियों ने संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। इन बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाशों ने पुलिस से अपने आप को घिरता हुआ देख उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक बदमाश घायल हो गया। इसके पास एक फैक्ट्री मेट बनी राइफल पड़ी हुई थी, साथ ही दूसरे बदमाश के पास 315 बोर की DBVL गन मिली है। इनसे पूछताछ में पता चला है कि 25,000 के दोनों इनामी बदमाश हैं, जबकि तीसरा बदमाश भागने में सफल रहा। एक चेकिंग अभियान पूरे जनपद में चलाया गया था, विशेषतः 2-पहिया 4-पहिया वाहनों में जो रात्रि में क्रिमिनल्स मूव करते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में चेकिंग हो रही थी। सीएफआई इंस्पेक्टर को 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दिए, जब उनके पास असलहे भी थे। जब उनको कहा गया तो उन्होंने वहाँ पर रोकने से मना किया, तुरंत आगे भाग गए, जिसपे शंका हुई और उन्होंने कंट्रोल रूम को बताया, सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी बताया गया। हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया और आसपास के थानों की फोर्स को तत्काल रवाना किया गया। उसमें घेराबंदी करके जब वो घिर गए और तो उन्होंने पुलिस पे फायर करना शुरू कर दिया, और पुलिस ने आत्मरक्षा तो कर्तव्य पालनार्थ इन्होंने भी मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया।